नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के भोपाल में महापौर प्रत्याशी श्री मालती राय ने एक जनसभा को संबोधित किया। भोपाल महापौर प्रत्याशी श्रीमती मालती राय ने आज एलएनसीटी यूनिवर्सिटी कोलार में कहा जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एलएनसीटी यूनिवर्सिटी से मेरा 25-26 सालों से नाता रहा है। यदि आपका समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त होता है तो मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि इस एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में किसी भी कार्य के लिए मेरे संज्ञान में लाया जाएगा। मैं तत्काल उस कार्य को करूँगी, जो संभव हो सकता है उसको लेकर करूँगी। इस आयोजन में मुख्य रूप से वार्ड नंबर 62 से राजेश चौक से और कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मार्केटिंग हेड दीपक बर्थे की रिपोर्ट। बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि पहले आदरणीय एमएल राय साहब को हमारे भाई चौकसे जी का सहयोग मिला और उनको समाज में और अन्य जगह आदरणीय राय साहब को आगे बढ़ाया और राय साहब के बाद में मानती राय को भी आगे बढ़ाने में हमारी भाभी पूनम चौकसे जी का, सम्मानी जयराम चौकसे जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम विद्यालय का संचालन कर रहे हैं तो आपके ही ये गौरव है। तो आज इस डगर पर हमें पहुंचाने वाला परिवार आदरणीय चौकसे जी और भाभी पूनम चौकसे जी का श्रेय है। और उसके बाद आज चाहे आपके बीच में ही साथ में है आदरणीय अशोक राय जी, यदि वो भी इस एलएनसीटी में काम देख रहे हैं तो उनको भी आदरणीय भाभी जी का, आदरणीय चौकसे जी का भरपूर आशीर्वाद है। उसी के कारण आदरणीय यहाँ पर शुरू करता है। यदि आप पप्पू राय जी हैं तो आपके लिए भी आदरणीय चौकसे परिवार का सहयोग है, उसके कारण आज इस मुकाम पर वो पहुंचे हैं।